हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं एक और कमाल का वीडियो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की माइलेज को, दोनों की माइलेज में क्या डिफरेंस है, सेम रूट के ऊपर चलाने वाले हैं, सेम किलोमीटर्स के लिए चलाने वाले हैं। अच्छा, एक विजुअल जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो आने वाला ही ये है, इसका अल्फा प्लस वेरिएंट जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आता है और ये है इसका माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट जो अल्फा के अंदर ही आता है। अच्छा, इसमें आप अगर देखेंगे फ्रंट क्रोम तो यहाँ पे आपको स्टील कलर दिखाई देने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है डार्क क्रोम। तो एक्सटीरियर में फ्रंट में आपको ये एक डिफरेंस नज़र आएगा इसके अंदर। दूसरा जो ये फॉग लाइट्स ये बीजल है, इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, यहाँ पे इसको ब्लैक रखा गया है। वहीं तीसरा जो डिफरेंस नज़र आएगा आपको, इसमें आपको जो नीचे बम्पर के आगे ये लगाया गया है पार्ट, ये डार्क ग्रे है और ये मेटालिक के अंदर है और इसमें सिल्वर रखा गया है। तो फ्रंट से आपको देखकर समझ आ जाएगा कि ये अल्फा वेरिएंट है, ये अल्फा प्लस वेरिएंट है। एक डिफरेंस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिखाई देने वाली है नीचे की तरफ, यहाँ पे प्लेन ब्लैक रखा गया है। तो ये चार आपको डिफरेंस फ्रंट में नज़र आने वाले हैं। उसके अलावा जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो आने वाला है पीछे। पीछे में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो बेज है यहाँ पे हाइब्रिड का मिलने वाला है और यहाँ पे आपको मिलेगा स्मार्ट हाइब्रिड। तो ये डिफरेंस है पीछे। और पीछे भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिल्वर कलर मिलता है इसके अंदर अल्फा वेरिएंट के अंदर, और अल्फा प्लस वेरिएंट के अंदर ये आपको मेटालिक कलर के अंदर मिल जाता है। साथ साथ जो रूफ रेल्स हैं इसके अंदर लगाई गई हैं ब्लैक कलर की और यहाँ पे आपको मिलने वाली है सिल्वर कलर की। उसके अलावा एक दो डिफरेंसेस और नज़र आने वाले हैं, वो आने वाले साइड के अंदर। साइड में यहाँ पे जो ये क्वार्टर पैनल वाला जो एरिया है इस पर आपको सिल्वर कलर दिखाई देने वाला है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको देने वाला है क्रोम। तो अल्फा प्लस वेरिएंट में विजुअली आपको काफ़ी सारे डिफरेंस नज़र आएंगे। पहले मैं लेकर जाता हूँ इस गाड़ी को, 155-160 किलोमीटर के आसपास चलाने वाला हूँ सेम रूट के ऊपर। उसके बाद चलाएंगे इस गाड़ी को और आपको डिफरेंस बताएंगे दोनों की माइलेज में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा एक दो डिफरेंसेस और हैं, वो अंदर हैं। अंदर यहाँ पे आपको हेडअप डिस्प्ले नहीं मिलेगा, दूसरा आपको फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल नहीं मिलेगा, तीसरा जो डिफरेंस है वो सीट्स के कलर का है, इसमें आपको रेड कलर मिलता है, उसमें आपको ब्लैक मिलने वाला है, काफ़ी स्टाइलिश नज़र आता है, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा है। फोर्थ आपको डिफरेंस नज़र आएगा, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती हैं जो आपको अल्फा प्लस वेरिएंट के अंदर मिलने वाली हैं। तो ये चार पाँच डिफरेंसेस हैं। तो अब मैं इस गाड़ी को लेकर जाता हूँ नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पर, पहले टैंक फुल करवाते हैं, 150 किलोमीटर चलाते हैं और उसी रूट के ऊपर उस गाड़ी को बाद में चलाएंगे। तो टैंक तो फुल था ही, बट फिर भी हमने फुल टैंक करवा लिया है और लगभग 6 लीटर के आसपास फ्यूल आया है। पहले इसको कर देते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को 0 के ऊपर, और यहाँ पर जो ट्रिप मीटर है उसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ट्रिप ए ओडो है 323 किलोमीटर, ट्रिप ए को भी हमने कर दिया 0 पर, ट्रिप बी को भी हमने कर दिया 0 पर। तो अब हम चालू करने वाले हैं हमने इस ट्रिप को यहाँ से, और टैंक करवा लिया गाड़ी का हमने फुल और हम निकले हैं, हम टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे निकलने वाले हैं बाहर की तरफ। और ट्रैफिक खास है नहीं, सुबह 7:30 के आसपास का समय है तो इतना ट्रैफिक नहीं है, दुकानें वगैरह बंद पड़ी हैं। दोस्तों बाकी इन्फो दूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने किन्हीं 3 सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं 3 टू व्हीलर्स। पहला देंगे हम जब हम 1 मिलियन का आंकड़ा छुएंगे, दूसरा हम देंगे 1.5 मिलियन के आंकड़े पर होंडा CB350 हाईनेस, और 2 मिलियन का जब हम आंकड़ा छुएंगे तो हम देने वाले हैं एक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। और सिटी से निकलकर अब हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर जो जा रहा है टुवर्ड्स माउंट आबू, और बातों ही बातों में 50 किलोमीटर हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं। बट जो एवरेज स्पीड रही है शुरुआत के 50 किलोमीटर्स के लिए वो 50-60 की रही होगी, क्योंकि शुरुआत के 15 किलोमीटर इसमें सिटी में हमने ड्राइव किया तो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पाए थे। बाद में हम हाईवे के ऊपर आए तो 80-90 के स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, और शुरुआत के 50 किलोमीटर के लिए जो गाड़ी ने माइलेज दिखाई है MID के अंदर वो है 17.7 किलोमीटर पर लीटर की, जो काफ़ी अच्छी माइलेज मेरे हिसाब से। फुल टैंक टू फुल टैंक और पता लग जाएगा कि कैसी माइलेज आती है और कितनी एक्यूरेसी है MID और फुल टैंक टू फुल टैंक, उसका भी आइडिया होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर लगाया गया है 1.5 लीटर का के सीरीज मारुति का ही इंजन है, जो तकरीबन 103 पीएस की पावर, 137 एनएम का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है ये गाड़ी। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। मैनुअल के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी एक ऑप्शन मिलेगा, जो काफ़ी मारुति के लिए पहली गाड़ी है भारत के अंदर जो ऑल व्हील ड्राइव में आ रही है। जिप्सी आती थी फोर व्हील ड्राइव में, बट ये ऑल व्हील ड्राइव में है। और इसके बाद जिमनी को भी शायद कंपनी लेकर आएगी फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर। और हो सकता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ तो मारुति की जो छोटी गाड़ियां हैं ना, इग्निस, स्विफ्ट, उसके अंदर भी आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कंपनी वो गाड़ियां बेचती है ऑल व्हील ड्राइव के साथ में, ऑल ग्रिप के साथ में। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे? जितनी बड़ी साइज की गाड़ी है, जिस सेगमेंट की गाड़ी है ना, उसके हिसाब से आपको 1.5 लीटर के सीरीज की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आने वाली। अगर आप स्पोर्टी ड्राइव पसंद करते हैं, एक फन टू ड्राइव आपको पसंद है, तो आपको इस गाड़ी के अंदर वो फन नहीं मिलने वाला ड्राइविंग परफॉर्मेंस के अंदर। मानो आप 80 की स्पीड में, अभी 90 की स्पीड में मैं फिफ्थ गियर के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ओवरटेक करना है, मैंने फुल एक्सेलेटर को प्रेस कर दिया है, और 90 से 100 जाने में कितना समय ले दिया देखो, अब जाके कहीं से 100 की स्पीड पकड़ी है। तो 85-90 से 100 आने में, ओवरटेक करने में आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आप गियर डाउन कर लेते हैं तो थोड़ी सी आपको अच्छी पावर मिल जाती है, टॉर्क अच्छी मिल जाती है, बट बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ओवरटेक करने के लिए। अगर आप 80-90 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मली आप प्रेस करते हैं और निकल जाते हैं। तो 120 पीएस के आसपास की पावर होती है इस गाड़ी के अंदर। तो ये जो वेरिएंट है 1.5 लीटर, ये भी मज़ेदार होता चलाने में। हालांकि गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी साइलेंट है, एनवीएच काफ़ी कंट्रोल, केबिन के अंदर उतनी आवाज़ नहीं आती है, और आइडल के ऊपर आपको ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट भी है। तो इतनी साइलेंट है, स्मूथ है, और जो स्मार्ट हाइब्रिड दिया है तो वहाँ पर आपको जो सेल्फ स्टार्ट वगैरह की आवाज़ है वो भी नहीं आती है। स्टार्ट स्टॉप फंक्शन इतने अच्छे से काम करता है कि गाड़ी कब बंद हुई, कब स्टार्ट हुई, वो आवाज़ भी आपको अंदर केबिन के अंदर फील नहीं होती है। तो यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है इस इंजन के पास में, और माइलेज तो काफ़ी अच्छी दे ही रहा है, उसका तो आपको पता लग ही जाएगा। बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स में, तो यहाँ पे मुझे भी थोड़ी बहुत शिकायत है। सबसे पहले तो स्टेयरिंग के साथ में, इस गाड़ी के अंदर एटलीस्ट और अच्छा एक स्टेयरिंग सिस्टम दिया जा सकता था, और अच्छा वेट डाला जा सकता था। सिटी के अंदर तो बिल्कुल लाइफलेस आपको लगने वाला, आपको कोई फील नहीं आएगी स्टेयरिंग से, काफ़ी लाइट। और हाईवे के ऊपर भी आपको फील होगा कि थोड़ा और अच्छा वेट होता ना स्टेयरिंग के अंदर तो और बेटर रहता। दूसरा दोस्तों, मैं बात करूं स्टेयरिंग से ही रिलेटेड है, बॉडी रोल का। बड़ी गाड़ी है, 4300 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, मारुति की पहली गाड़ी है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर। हालांकि बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 100 की स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं, तो ड्राइवर सीट के ऊपर भी ना आपको इतना बॉडी रोल मिड साइज सेगमेंट में और किसी गाड़ी के अंदर फील नहीं होगा जितना इसके अंदर। और जितना ड्राइवर सीट पे, उससे डबल लगभग पीछे वाली सीट पे मेरा जो कैमरा पर्सन है वो मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, अगर आप पहाड़ी रास्ते के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर लेकर जाएंगे तो पीछे जो बैठे हैं पैसेंजर्स उनको थोड़ा बहुत वॉमिटिंग वगैरह का इशू हो सकता है बॉडी रोल की वजह से। तो यहाँ भी थोड़ी सी कमी रह गई है दोस्तों। उसके अलावा फिट एंड फिनिश लेवल काफ़ी अच्छा है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है गाड़ी का, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह जैसे फीचर्स मिले हैं, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। सनरूफ दी गई है, बट वहाँ भी एक छोटी सी कमी छोड़ दी है कि इसमें जो ऊपर ये कर्टेन लगाया है ना, ये ट्रांसपेरेंट लगाया है, अंदर लाइट फिल्टर होती है, गर्मी के अंदर दिक्कत होने वाली है। इसको बिल्कुल डार्क रखा जा सकता था, कवर्ड रखा जा सकता था कि अगर आपने सनरूफ बंद कर दी तो ऊपर से लाइट या धूप ना आए, बट यहाँ थोड़ी सी कमी छोड़ी है कंपनी ने इस कर्टेन के अंदर भी। ब्रेक्स अच्छे हैं गाड़ी के, ऑल फोर टायर्स में डिस्क ब्रेक्स लगाए गए हैं। 100 की स्पीड में आप फुल प्रेस करते हैं गाड़ी, तो मैं आपको एक बार प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। हम पहुँच गए 100 की स्पीड पर, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, आगे कुछ नहीं है, और स्ट्रेट लाइन में प्रेस करता हूँ ब्रेक्स को, 1 2 3 विदिन 2-3 सेकेंड्स आई गेस गाड़ी 100 से बिल्कुल जीरो पर आ गई है। आवाज़ आपको सुनाई दी होगी जो ABS की और ब्रेक्स की आवाज़ है। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाकर रुकी है। उसके अलावा सेफ्टी के काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, ABS EBD है ही, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिला है गाड़ी को, और 6 एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। अभी जो गाड़ी चली है वो चली है 166.2 किलोमीटर्स अगर आप यहाँ देखेंगे, और जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ शो हो रही है
हो रही है 18.5 किलोमीटर पर लीटर की। एक और जो डिफरेंस है हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और भैया ऊपर तक कर देना पूरा, इसमें बूट स्पेस थोड़ा बड़ा मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में यहाँ पे एक बैटरी के लिए जो बैटरी लगाई गई उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ट्रे है ना ये उसकी ऊपर लगाई गई इतना, तो आपको बूट स्पेस उस गाड़ी के अंदर कम मिलने वाला है। तो 9.27 लीटर्स फ्यूल लिया है गाड़ी ने और उस हिसाब से जो माइलेज निकल कर आई है 166.2 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी ने जो फ्यूल लिया है वो लिया है 9.27। की माइलेज है यहाँ पर और जो ओडो के अंदर है इसके अंदर माइलेज जो यहाँ पर शो हो रही है 18.5 की। तो 17.9 और 18.5 अब वापस उदयपुर चलते हैं। तो दोस्तों ये तो थी माइलेज स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन की और अब हम चलाने वाले हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एक और चीज़ है, जो ये क्लैडिंग है ना पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, यहाँ नीचे मेटालिक कलर हो गया, रूफ रेल इसमें सिल्वर हो गई और अंदर जो इंटीरियर है वो उसमें रेडिश ब्राउन था, इसमें ब्लैक है और वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली हैं इसके अंदर। साथ साथ इसमें वायरलेस चार्जर है वो लगाया गया है इसके अंदर क्योंकि ये अल्फा प्लस वेरिएंट है। अब इसको लेकर वापस मैं जा रहा हूँ उदयपुर से माउंट आबू और देखते हैं कि क्या माइलेज देती है ये गाड़ी। सो ओडो है इसका 460 के ऊपर, ट्रिप ए को हमने जीरो के ऊपर सेट कर दिया है और अब यहाँ से चलाने वाले हैं इसको हम 165 किलोमीटर के आसपास। इसके अंदर अगर आप बूट स्पेस देखेंगे तो ये जो एक स्पेस ना नीचे ये स्पेस अलग से दिया हुआ है, ये ट्रे लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं और इस तरीके से ये ट्रे लगानी पड़ेगी आपको। तो बैग तो आ सकते हैं बट एक बैग आने के बाद तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको स्पेस के साथ में। तो फुल टैंक हमने करवा लिया है और अब इसको चलाने वाले हैं वही सेम उदयपुर टू माउंट आबू रूट के ऊपर। तो अभी जो समय है वो है 3:20, अगर आप यहाँ देखेंगे 3:20 अभी समय है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बैटरी है इसकी ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज होने वाली है वो इसी ड्राइव के थ्रू होने वाली है और बार बार यूज होने वाली है। और जो ओडो है वो है इसका 460 के ऊपर, ट्रिप ए को हमने जीरो पे सेट कर दिया और इको मोड में हम चलाने वाले हैं इस गाड़ी को थ्रू आउट द ड्राइव। पावर, इको एंड नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल मोड, ये है पावर मोड, ये है इको मोड, यहाँ कोने में इको लिखा आ गया, मैं दोबारा दिखाता हूँ, पावर नॉर इको। सो सिटी से निकलकर हम आ गए हाईवे के ऊपर और लगभग 14 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं गाड़ी को। MID के अंदर जो माइलेज शो हो रही है ना वो हो रही है 22.2 किलोमीटर पर लीटर की, एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया था मॉर्निंग में जब सिटी से लेकर आए थे बाहर जो पेट्रोल वर्जन था उसको, और उसमें जो माइलेज आई थी MID के अंदर वो 19 की आई थी। तो यहाँ 3.2 के आसपास माइलेज का डिफरेंस आया है MID के अंदर और अब हाईवे पे चल चुके हैं तो देखते हैं कि कैसा माइलेज आता है ओवरऑल जब हम इस राइड को कम्प्लीट करेंगे। अच्छा दोनों ही गाड़ी के अंदर जो कैरेक्टर है ड्राइविंग करते समय बिल्कुल अलग अलग फील होने वाला है, जो 1.5 पेट्रोल और 1.5 जो हाइब्रिड पेट्रोल है इन दोनों में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा परफॉर्मेंस के मामले में। यहाँ पे आप जैसे एक्सेलेरेट करते हैं आपको काफ़ी अच्छा एक पावर का बूस्ट मिलता है, एक पावरफुल ड्राइव ऑफर करता है ये जो हाइब्रिड वर्जन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। वहीं पर जो मिल्ड हाइब्रिड है उसमें लीनियर पावर डिलीवरी और काफ़ी स्लो आपको फील होता है वो,
साइलेंट अगर मैं बोलूँ एनवीएच के मामले में तो वो वाला है, इसमें आपको इंजन की नॉइस केबिन के अंदर ज़्यादा सुनाई देती है, और आप जैसे अभी मैंने हार्ड एक्सीलेट किया तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ जाती है वहाँ पर। आप हार्ड एक्सीलेट करते हैं तो गाड़ी तो भगती नहीं है क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ती है, तो केबिन के अंदर एटलीस्ट नॉइस नहीं आती उसके अंदर। मैं इसको बी मोड के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ। बी मोड में क्या होता है, एक डी मोड है एक बी मोड है। बी मोड के अंदर जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलेटर से पैर हटाया मैंने, तो गाड़ी एक तरीके से ब्रेक अप्लाई करती है और उस एनर्जी को वो बैटरी को चार्ज करने में यूज करती है। और नॉर्मल मोड में क्या होता है कि आप ब्रेक अब एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो गाड़ी काफ़ी दूर तक जाती है अपने आप चलती हुई। तो बी मोड में क्या कि आपको बस दिख रहा है सामने सिग्नल्स वगैरह हैं, ट्रैफिक है, तो आपने यहीं से एक्सीलेटर से पैर हटा लिया तो गाड़ी कुछ दूरी तक जाते जाते अपने आप रुक जाएगी और वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो बैटरी को चार्ज करने में लग जाएगी। और बैटरी चार्ज हो रही है, अभी 3 बार्स आ गए हैं बैटरी के अंदर। बैटरी चार्ज होने के बाद क्या करती है, आप 80 की स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, 90 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर बिल्कुल एक ऐसा पैच आया जहाँ पर प्लेन सरफेस है, ना अपहिल है ना डाउनहिल है, तो उस सरफेस के ऊपर इंजन को कट ऑफ करके गाड़ी बैटरी से चलने लगती है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलने लगती है। तो इस तरीके से फ्यूल बार बार सेव करती है आपका। सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा आपका फ्यूल सेव होता है कि सिटी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ड्राइव होती है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना होता, 30, 25, 10, 25 इस तरह की स्पीड चलती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर बार बार यूज़ करता है बैटरी को गाड़ी को चलाने के लिए, और अब बार बार ब्रेक्स भी अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी सेव होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अच्छा दोस्तों, ड्राइव करने के बाद एक डिफरेंस मुझे फील हो रहा है दोनों गाड़ी के अंदर। हाइब्रिड वर्जन की जो राइड है वो ज़्यादा स्टेबल है नॉन हाइब्रिड से। आई डोंट नो क्या डिफरेंस है ऐसा, शायद वेट का कोई डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है कि इसकी राइड उससे बेटर है। बॉडी रोल है इसके अंदर भी उससे थोड़ा सा बेटर है, और स्टीयरिंग फीडबैक इस गाड़ी का उस गाड़ी से थोड़ा सा बेटर है। तो ये 3 डिपार्टमेंट में हाइब्रिड मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नॉन हाइब्रिड से। पावर के साथ साथ जो माइलेज है उसमें 1920 के आसपास की माइलेज क्लेम की है, इसमें 27 के आसपास की माइलेज क्लेम की है, तो वहाँ पे भी लगभग 25-30% के आसपास का डिफरेंस है माइलेज के अंदर। बट रियल वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर जो डिफरेंस रहने वाला है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। पहले आप ऑडो देख लीजिए, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे जो शो हो रही है वो रही है 22.8 किलोमीटर, और 166.2 एग्जैक्टली इतना ही हमने चलाया था जो हाइब्रिड वेरिएंट था उसको। अब करवा लेते हैं फुल टैंक और देखते हैं कि कैसी माइलेज देने वाली है ये गाड़ी फुल टैंक टू फुल टैंक। तो 7.61 लीटर फ्यूल लिया है हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरियंट ने 166 किलोमीटर चलने के लिए, और जो उस हिसाब से माइलेज आई है ना वो आई है 21.83। ये डिफरेंस है, मैं वो गाड़ी को साइड में पार्क कर लेता हूँ, फिर बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसके बारे में। सो जो नंबर्स की आप वेट कर रहे थे वो नंबर्स आ गए हैं, पेट्रोल हाइब्रिड और पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड कि माइलेज में जो डिफरेंस निकल कर आया है वो आया 3.91 किलोमीटर पर लीटर, लगभग 4 किलोमीटर ज़्यादा चलने वाली है ये गाड़ी। हाईवे की बात कर रहे हैं, मगर यही बात करें सिटी की तो सिटी में हो सकता है ये डिफरेंस 8 किलोमीटर का हो जाए 4 की जगह, क्योंकि सिटी में ये ज़्यादा माइलेज देने वाली है। बार बार जो ईवी मोड है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ज़्यादा अच्छे से वो जो पावर है वो यूटिलाइज हो पाएगी इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा। दोस्तों 17.9 के आसपास की माइलेज आई थी माइल्ड हाइब्रिड की, 21.8 की जो माइलेज आई है वो आई है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंसेज मुझे फील हुए। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की राइड क्वालिटी माइल्ड हाइब्रिड से ज़्यादा बेटर लगी, हो सकता है वेट का कोई रीजन हो सकता है। उसके अलावा लुक्स के मामले में इसमें अल्फा प्लस वेरिएंट मिल जाता है जो आपको माइल्ड हाइब्रिड में नहीं मिलेगा, हेडअप डिस्प्ले, वायरलेस मोबाइल चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं, और इंटीरियर इसका ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है, और एक्सटीरियर में भी आपको ये जो डार्क क्रोम और नीचे जो मेटालिक फिनिश मिलने वाली है, साइड में ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको जो बॉडी क्लैडिंग से वो मिलने वाली है, ज़्यादा प्रीमियम बना देती हैं। दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आप
इस गाड़ी की काफ़ी सारी वीडियोस देखने वाले हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। किन्हीं 3 सब्सक्राइबर्स को हम देने वाले हैं गिव अवे के रूप में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 मिलियन का जब हम आंकड़ा छुएंगे, 1.5 मिलियन का आंकड़ा छुएंगे होंडा CB350 हाइनेस, और 2 मिलियन का जब हम आंकड़ा छुएंगे तो देंगे एक क्लासिक 350। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव यहाँ से लेता है विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।